इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर सेंट्रल जेल में बड़े ही हर्षोल्लास और एकता के साथ शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया गया, जहां बंदियों और भाइयों बहनों द्वारा संयुक्त रूप से गरबा खेलकर माता रानी की आराधना की गई। इसके लिए एक महीने से बंदियों और भाइयों ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की थी। बाकायदा कई ग्रुप बनाकर गरबे का आयोजन किया गया। सेंट्रल जेल प्रभारी अलका सोनकर द्वारा बताया गया कि सेंट्रल जेल में सभी त्योहार एकता और सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं। इसी के तहत शारदीय नवरात्रि पर्व भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी के तहत नवरात्रि की तैयारी बंदियों और सेंट्रल जेल के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा एक महीने पहले से शुरू की गई थी, जिसमें सुंदर सा मंच और माता रानी का दरबार सजाया गया है और जो भी आवश्यकता है वह सेंट्रल जेल की ओर से पूर्ण की गई है। गरबे के लिए 100 से अधिक पुरुष के 4 अलग अलग टीम और 3 महिला बंदियों की टीम, जिसमें 60 महिला बंदी शामिल हैं, उनके द्वारा यहां पर गरबे की प्रस्तुतियां दी जा रही है और 9 दिन तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भी है। इस आयोजन से बंदियों व महिलाओं में काफी उत्साह का माहौल है, क्योंकि जेल के बाहर तो तमाम स्थानों पर माता रानी की आराधना के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वहीं बंदियों के लिए अभी श्री माता रानी की आराधना को लेकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस वर्ष भी जो है नवरात्रि के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल इंदौर में समस्त हमारे जो स्टाफ है, हमारे समस्त अधिकारी, हमारे पूरे बंदी भाई, हमारे कर्मचारी सभी ने मिलकर के ये नव दुर्गा का जो उत्सव है बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। उद्देश्य बस यही है कि ये बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर तो गरबे का आयोजन सब जगह होता है और माँ की वंदना कहीं से भी की जा सकती है, तो हम लोग जेल परिसर से हमारे पूरा जेल के जो परिवार है वो हम यहाँ पे माता जी की जो है आराधना जो है कीर्तन भजन और गरबे के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे यहाँ गरबे में जो है लगभग 30 महिलाओं ने भाग लिया है और लगभग 60 से अधिक पुरुष हैं, तीन से चार टीम हैं पुरुषों की और महिलाओं की 2 टीम हैं और उनके द्वारा जो है प्रतिदिन अलग अलग जो है माता के चरणों में प्रस्तुति दी जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी, देखिए ये पूरा कार्यक्रम की तैयारी जो है हमारी पूरी टीम द्वारा, हमारे जो है दोनों जेलर जो हैं, हमारे खरे साहब हैं, नागर साहब हैं, हमारे डिप्टी जेलर दिनेश हैं, इन सब की मेहनत दिख रही है। आज आप देख रहे हैं कि जो भी सज्जा यहाँ पे दिख रही है वो सब हमारे टीम का ही इफर्ट है। इसके अलावा जो है बंदियों ने भी बहुत मन से इसमें सहयोग किया है और उन्होंने लगभग मुझे लगता है कि 20 से 25 दिन से वो इसकी सतत तैयारी कर रहे हैं। इस मंच को बनाने में भी हमें जो है लगभग 10 दिन लगे हैं इसकी पूरी साजो सजावट के लिए और ये सभी जो है बंदियों ने बहुत हर्षोल्लास से किया है।